नमस्कार साथियों, बहुत सारे दोस्तों के काफी दिन से प्रश्न आ रहे थे, पंडित जी क्या घड़ी गिफ्ट में देने से किसी प्रकार का कोई अरिष्ट होता है और क्या हम किसी को घड़ी प्रेजेंट में दे सकते हैं, क्योंकि कोई स्पेशल मोमेंट होता है, कोई खास मौका होता है जिसके ऊपर हम सामने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसा उपहार दें जिससे हम अपने मन की जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वो उस तक पहुंचा सकें और उस खास मोमेंट को, उस व्यक्ति के उस स्पेशल मोमेंट को उस गिफ्ट के द्वारा हम और ज़्यादा खास बना सकें। और आम तौर पर अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन जो गिफ्ट हम देते हैं उसमें घड़ी एक ऐसा तोहफा है, हाथ पर बांधने वाली रिस्ट वॉच एक ऐसा तोहफा है जो आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी को गिफ्ट में ज़रूर दी होगी। लेकिन ज्योतिष क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि जब आप किसी को तोहफे में घड़ी देते हैं तो इसका किस तरह का असर आपके या सामने वाले के ऊपर हो सकता है, उसके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। तोहफे में घड़ी देने का क्या नियम है और उसका रियल रीज़न क्या है, आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही काफ़ी दिनों से मैं बहुत सारे भक्तों के जो कमेंट है वो भी नोट करके लेकर आया था। काफ़ी सारे साथियों ने कमेंट करके पूछा था कि पंडित जी, गिफ्ट में घड़ी देते समय हमें क्या कुछ किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए और हमें घड़ी प्रेजेंट करने से रिलेटेड जितने भी ज़रूरी इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो बताएं। तो साथियों, आज का यह एपिसोड उन सभी भक्तों के लिए बहुत ख़ास होने वाला है जो आने वाले दिनों में अपने किसी लविंग पर्सन को, अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी रिश्तेदार, मित्र, भाई बहन, दोस्त को अगर आप घड़ी गिफ्ट करने वाले हैं तो आज का यह एपिसोड उससे पहले आपको कंप्लीट ज़रूर देख लेना चाहिए ताकि आपको फिर फ्यूचर में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टे वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, आभार। आप देख रहे हैं ज्योतिष मिराकल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। वैसे तो हमारी कोशिश रहती है हम हर एपिसोड में आपके लिए कुछ खास, नई और कुछ ऐसी जानकारी जिसकी आपको रियल में नीड होती है। बहुत हमारा यही प्रयास रहता है, दिन रात हम यही कोशिश करते हैं कि आप सभी भक्तों ने जो जो प्रश्न हमसे पूछे हैं उन प्रश्नों के हम आप सभी को जल्द से जल्द उत्तर दे सकें। लेकिन कई बार थोड़ा बिजी होने के कारण शायद हम समय से आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, उसके लिए हम आपसे सॉरी भी फील करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा विषय है क्या गिफ्ट में घड़ी देने से बहुत बुरा होता है।
साथियों, यहाँ पर आपको कुछ बातें समझनी होंगी कि अगर आप किसी को गिफ्ट में घड़ी दे रहे हैं तो वो किस तरह का होता है, आपके लिए भी सामने वाले के लिए भी। सबसे पहला जो इसका फैक्ट है कि कोशिश करें आपका जो खास रिलेटिव है, चाहे वो आपका फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, चाहे वो आपका फैमिली से बाहर का भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो, अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा क्लोज है जिसको आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिल से मानते हैं, उस व्यक्ति को अगर आपने घड़ी गिफ्ट में देनी है, बहुत सोच समझ कर, बहुत विचार विमर्श कर आपको घड़ी गिफ्ट में देनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपका जो प्रेजेंट में टाइम है बहुत बढ़िया चल रहा है, आपको भगवान की कृपा से धन धान्य सुख संपत्ति की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन उस मौके पर आप एक घड़ी लेकर आते हैं किसी को गिफ्ट करने के लिए, और सामने वाले को जिसे आप वो घड़ी दे रहे हैं अगर उसका टाइम ठीक नहीं चल रहा है, जिसको आपने घड़ी गिफ्ट देनी है उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या उसको कोई लाइफ में कोई टेंशन चल रही है, या कोई भी समस्या अगर उसे चल रही है, उसे अगर आप घड़ी गिफ्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना अच्छा टाइम उस पर्सन को दे रहे हैं। घड़ी गिफ्ट करने से टाइम शिफ्टिंग होता है, यानी कि आपका टाइम सामने शिफ्ट होगा और सामने वाले का टाइम आपकी तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि अच्छा टाइम उधर और उसका जो टाइम है वो आपकी तरफ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी घड़ी गिफ्ट करें तो सोच विचार कर और अपनी समझ से तब आपको घड़ी गिफ्ट करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके ऊपर कोई संकट परेशानी ना आए, आपको कोई दिक्कत ना आए, तो आपको घड़ी गिफ्ट करने से बचना चाहिए। अगर किसी पर्सन को आप मुसीबत से निकालना चाहते हैं तब आप घड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, और परमपिता परमात्मा से आपने प्रार्थना भी करनी है कि सामने वाले व्यक्ति का जो नेगेटिव टाइम चल रहा है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो, और भगवान मेरा भी टाइम जो है अच्छा चला चल रहा है, इसी तरह से अच्छा चलता रहे। गिफ्ट में घड़ी लेने से पहले भी आपको बिल्कुल सोच समझ कर वो गिफ्ट लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाले ने आपको जो घड़ी गिफ्ट की है वो किस मंशा से की है, और क्या उसमें उसका कोई अदर कोई ऐसा उद्देश्य तो नहीं है जिससे वो आपको घड़ी गिफ्ट कर रहा है। वैसे तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि घड़ी गिफ्ट में लेने से और घड़ी गिफ्ट में देने से जितना हो सके उससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि घड़ी गिफ्ट करने से ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मेथड कि टाइम शिफ्टिंग बहुत जल्दी होता है। तो अगर आप इस सेम टाइम शिफ्टिंग की प्रोसेस से प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो घड़ी लेने और देने दोनों से आपको परहेज करना चाहिए। बाकी बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि क्या घड़ी गिफ्ट करने से लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड कोई मैंने संकट या दुख, देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को घड़ी गिफ्ट कर रहे हैं जिसका प्रेजेंट अभी ठीक नहीं चल रहा है, वर्तमान उसका ठीक नहीं चल रहा है, तो हो सकता है अगर आप उसे घड़ी गिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी जो समस्या कोई प्रॉब्लम है वो किसी भी तरह से आपकी जो लाइफ है उसको हिट कर सकती है। तो इसलिए ऐसी कंडीशंस को आप अच्छी तरह से रीड करें, आफ्टर दैट उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपको क्या कैसे गिफ्ट करना है नहीं करना है।
तो आई होप आपको आज की ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। जय माता की।